नहीं थे। क्या शाहरुख खान चाहते थे सलमान के साथ काम करे वो? शाहरुख एंड सलमान खान हमें लास्ट नजर आए हैं करण अर्जुन फिल्म में, वो भी एक साथ लीड रोल में। उसके बाद हमें ये दोनों साथ कभी नजर नहीं आए हैं, सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस में ही दिखे आज तक। अब इतने सालों बाद इस फिल्म करण अर्जुन का सीक्वल बनने जा रहा है एंड बता दी कि इसमें ये दोनों सुपरस्टार्स ही नजर आने वाले हैं। फैंस तो एक्साइटेड है ही, बट बी टाउन के दूसरे सेलेब्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। आखिर में इतने साल बाद ये दोनों आ रहे हैं साथ में। तो दोस्तों, बॉलीना स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म करण अर्जुन 2 के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इस फिल्म से रिलेटेड बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है। पहली बात तो शाहरुख एंड सलमान ने आज इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, बट उस टाइम शाहरुख तो फेमस थे ही, बट सलमान खान उस टाइम तक इतने फेमस नहीं हुए थे, वो सिर्फ उनके करियर में स्ट्रगलिंग फेज पर थे। इस फिल्म से ये दोनों का बहुत नाम हुआ है ना, जब दूसरा पार्ट आ रहा है इस फिल्म का, तब इतने सालों बाद इन एक्टर्स ने रिवील किया कि राकेश रोशन के लिए शाहरुख एंड सलमान फर्स्ट चॉइस नहीं थे इस फिल्म के लिए। इनफैक्ट वो चाहते थे अजय देवगन और साथ में सनी देओल स्टार करे। अजय सलमान का रोल निभाते हैं, सनी शाहरुख खान का, क्योंकि उनके रोल से वो इतने हैप्पी नहीं थे एंड सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। फिर बहुत सारी चर्चा एंड डिसीजन के बाद ये फाइनल हुआ कि इन दो सुपरस्टार्स को ही फाइनल करते हैं, जो है शाहरुख खान और सलमान खान। फिर राकेश रोशन को लगा कि बॉलीवुड के बादशाह को लेना वर्थ है, और साथ में शाहरुख खान चाहते थे सलमान उनके साथ लीड रोल निभाए, क्योंकि आखिर में उस टाइम पर उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, जितनी आज नहीं है। बट सोर्सेज से भी सुनने मिलता है कि ये दोनों फिर से बहुत खास हो गए हैं, इसलिए ये दोनों स्टार्स चाहते हैं साथ में काम करें ताकि फैंस काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगे। अब दूसरे पार्ट के लिए तो ये दोनों ही फर्स्ट चॉइस है सबकी, क्योंकि इन दोनों को कौन देखना पसंद नहीं करता है साथ में आखिर में। तो आज के लिए बस इतना ही है, और इसी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, एंड लाइक शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।